ना कंडीशन पर, तो जब हम यहाँ पर जाते हैं ना तो कस्टम में यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम जाके ऐसे करके ग्रेटर देन रेड कुछ इस टाइप से हम लिखते हैं। देखिए ये ना रेड, जी और ये हमने नो कंडीशन फॉर फॉर फॉर्मेटिंग से नहीं हुआ है, नहीं एक कस्टम में आ गया जी उसका। एक ये भाग गया, ये सिंपल एक गड़बड़ कर दिया, नंबर आ गया। तो ये हम यहाँ से भी एक कस्टम फॉर्मेटिंग होता है, ये मैंने कलर हम चेक करता है। और कलर उस फॉर्मेटिंग। हाँ, और इंटरव्यू का शर्त यही था कि हमें यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं जाना है और मैक्रो यूज नहीं करना है, लेकिन हमें कलर चाहिए, जी ये भी होता है। तो उसी का कस्टम को हमने यहाँ पे अप्लाई करके इसको कलर चेंज किया, ये है। ये आइकन लेके ब्लैक करके 0 > 0%। ये तो अपने आप आ जाएगा, बिलो तो माइनस में तो आ जाएगा, लेकिन व्हाइट रहेगा। कलर करने के लिए मैंने इसको ये कोड यूज किया है, राइट 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 ठीक है। ये था एक, मैंने सिर्फ ऐसे बताने के लिए कि ये भी ना, ये भी एक चार्ट ही है। जी अगर आप इसको खींचिएगा, अलग अलग कीजिएगा, तो ये भी एक चार्ट ही है। अगर आप यहाँ पर जाके फॉर्मेट सेल वगैरह देखिए, ये सब कुछ है वही। ये भी एक चार्ट का ही बना हुआ जी है, चार्ट से ही बना हुआ है ये पूरा, ये क्या कहते हैं घड़ी। जी हो सकता है थोड़ा सा माइक्रो का यूज किया होगा, हाँ इसमें है थोड़ा बहुत माइक्रो का यूज किया हुआ है जो बनाने वाले ने किया, लेकिन यह ये भी एक चार्ट के बेस पर ही बनाया हुआ है। देखने फॉर्मेट डाटा सीरीज सब कुछ आ रहा ना, जी ये भी एक अब है, बंदे ने कलाकारी कर रखा है, ऐसे ऐसे भी है लोग, ठीक है। उसके बाद एक ये है, इसमें ये हमारा डाटा है, जी ठीक है। ए मंथ प्रोडक्टिविटी चार्ट, यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन डाल दिया है कि जिस महीना का मैं डालू ना, उस महीना तक का ये चार्ट दिखाए। ओके तो इसमें मैंने क्या किया है, इसको जो है ना ड्रॉप डाउन, इसके बाद इसको मैंने नाम डिफाइन कर लिया है। इसमें मैंने तीनों को, मैंने मंथ नेम और प्रोडक्टिविटी और टारगेट, तीनों को मैंने नाम जी डिफाइन कर लिया है। ठीक है नाम डिफाइन करके चार्ट में जाके ये जो डाटा है इसको मैंने नाम डिफाइन में ही डाल दिया है। यहाँ पे दिखा क्यों रहा है, यह ना प्रोडक्टिविटी ये भी है, टारगेट मैंने टारगेट के लिया हुआ और इस साइड मंथ नाम लिया हुआ है। मंथ तो नेम जब मैं यहाँ पे सितंबर करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं OCT करूंगा, यहाँ पे क्या आता है वो, ये डाटा के बीच में जा रहा है ना, तो ये उतना सिलेक्ट कर रहा, तो हमने जी यहाँ पे लगाया, यहाँ से लगाया और इसके मैच करके ये फाइंड कर लिया कि ये इस रेंज में कहाँ पर है।
ठीक है नाम डिफाइन तो हमने हम हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑफसेट में जी ए टू से चले, कॉलम रो कुछ नहीं करना है, जी फिर इस नाइन को कॉल कर लिया और जीरो, तो ये डाटा यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करेगा, ठीक है, बस इसी को नाम डिफाइन कर दिया और इसमें मैंने डाल दिया, बस इतना ही है। ओके नाम नहीं लेकिन हाँ हाँ बताइए। हाँ आपने तो नाम डिफाइन कर लिया और उसको कॉल भी कर लिया, हाँ लेकिन चार्ट अपने सीरीज में यूज करेगा ना, चार्ट चार्ट उसको यूज तो अपनी सीरीज में करेगा, कैसे करेगा? नहीं तो देखिए अगर मैं इस चार्ट को बनाऊंगा, अगर मैं इसको चार्ट बनाऊंगा तो ये जो है रेंज है डाटा का रेंज, अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो ये इतना ले रहा है ना जी, तो जब मैंने इस डाटा से इसको मैंने, और इसके बाद एक स्टेप और मैंने कर दिया, इसको चार्ट टाइप को चेंज कर दिया था और मैंने इसको ऐसे कर दिया था अब था, तो ये रेंज जो ले रहा है, तो अगर मैं सितंबर चूज करता हूं तो वो इतना लेगा यहां से भी, हाँ वही तो बेसिक, हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो ये रेंज है इसको आप कॉल करवा रहे हैं ना, कॉल को कॉल करवा रहा हूँ नाम डिफाइन से, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सपोज आप समझिए कि ये वाला जो अपना था मंथ वाला था, हाँ मंथ को आप एक बार सेलेक्ट कीजिए, हाँ मंथ ये कौन सा उसमें आता है इनका, वो कीजिए आप एक बार, ये इस पे है यहाँ नीचे, हाँ इस पे यहाँ पे, तो ये इसकी सीरीज में आएगा, हाँ ठीक है। हाँ तो अब ये ले कहां से रहा है, जैसे हम वहां से ले रहे हैं सितंबर, हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलिए वो समझना चाह रहा हूँ, हाँ मैं इसको पूरा आपको फ्रेश बना के बताता हूँ। जी 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 अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन यहाँ लगाया और लिस्ट में मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक है, अब ये हमारा आ गया जो भी है। अब यहाँ पे मैंने मैंने लगा दिया मैच, इसको इस रेंज में पोजीशन बताएगा जी। एक बार ऑफसेट में पाई पाइवट टेबल में मैंने ऑफसेट लगा के डाटा को रेंज को सेलेक्ट किया था, याद है आपको? जी जी चेंज हो जाता था जिसमें, हाँ तो उसी अनुसार अब यहाँ पे मैं करूंगा, अगर मैं मंथ के नेम के लिए लिखता हूँ MTH लिख दिया मान लीजिए, इसमें करूंगा ऑफसेट यहां से स्टार्ट हो और रो और कॉलम चेंज नहीं हो, हाइट इतना ले और विथ एक ले, अगर विथ नहीं लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, वरना अगर हम विथ लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए और ये जो हमने कैलकुलेट किया था इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, और इसको कॉपी करके नाम डिफाइन में गया और यहाँ पे MTH लिया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए, अब देखिए, अब अगर मैंने यहाँ पे लिया हो ना अप्रैल और MTH में अगर मैं इंडेक्स करके MTH वन में है जनवरी, टू में है फरवरी, तीन में है मार्च और चार में है अप्रैल और पांच में एरर, इसने चार ही लिया है अभी। जैसे ही इसको मैं मई लूंगा, देखिए तो अभी वो चार ही डाटा उठाएगा, ठीक है, तो ऐसे बना दिया, इसी तरीके से मैंने प्रोडक्टिव बनाया, प्रोडक्टिविटी। इसका एक उपाय है जो अभी बनाए थे उसी में भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ऑफसेट MTH जो है उसमें जीरो वही रहने दो और कॉलम एक जोड़ दो इधर, ठीक है जी, और इसको कॉपी करके और यहाँ पे कर दूंगा मैं PRD
इसको पेस्ट कर दिया, मेरा दो रेंज हो गया। अब हमने कर दिया टीजीटी, टारगेट बना दिया और इसी को रखा और इसमें मैंने दूसरा कर दिया, क्योंकि तो पहला डाटा यहां से आ रहा है इसी का पहला दूसरा फिर, और मैंने यहां पे कर दिया टीजीटी और यहां पे इसको डाल दिया। अब मैंने इसके बेस पर यहाँ पे चार्ट बनाया, ठीक है। जब चार्ट यहाँ आया फिर इसका मैंने चार्ट टाइप यू डाल दिया। अभी तो ये कंप्लीट डाटा पर है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर गया और मैंने सेलेक्ट डाटा लिया और जो ये प्रोडक्ट भी है तो यहाँ से इसको हटा के मैंने यहाँ F3 किया और यहाँ से PRD ले लिया, ठीक है। टारगेट को किया और ये रेंज अभी इसको उठा रहा ना, लेकिन हमने तो उसको रेंज डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पे ले लिया मैंने TGT, क्योंकि जब इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये TGT को खोजेगा और TGT में हम लेंगे जितना उतना ही आएगा डाटा, बिल्कुल। और यहाँ पे जाके हमने कर दिया, मैं वही बेसिकली आपने हाँ। वही की जो रेंज है वो एक्सेस लेबल, वाई लेबल और इसमें हाँ इसमें हमें वो बताना है उसको कि डेटा लेना कहाँ से, डाटा लेना कहाँ से, बस। तो अभी हम एक डेटा से नहीं ले रहे, अब हम नेमिंग से ले रहे हैं, नेम से ले रहे हैं और नेम इससे कॉल कर रहा है, इससे कॉल कर रहा है से कर, बस अच्छी हुआ जी। हम यहाँ पे जिस महीने के लेंगे उस महीने से अनुसार वो अपने आप वो डाटा घटेगा और बढ़ेगा, मेनली नेम डिफाइन का कमाल है जी 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 ठीक है। मतलब इसको भी डायनामिक किया जा सकता है, हाँ हो गया ना, ये तो फिर डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसे आता है क्यूरी, नाम डिफाइन में तो बहुत कुछ होता है, बिल्कुल। अब जो नेम डिफाइन हमने यहाँ पे किया हुआ था हमारे कॉलम एल एम में, हाँ, तो डिलीट भी कर देंगे, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, हाँ जी, हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये नेम डिफाइन हमने नेम डिफाइन करके वहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, डाल दिया, ये तो हमने सिर्फ कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि अपने लिए, हाँ, ये तो हट जाएगा, वो सब वहीं पर चला गया। और ये जो नेम डिफाइन है ये किसी भी शीट में जाके यूज किया जा सकता है, इस एक्सेल के किसी भी सीट पर काम करेगा, राइट। देखिए ना, अगर मैंने सेकंड सीट पर गया और मैंने किया सम MTH, सॉरी TGT, ये है ना 698 और हमारा अगस्त तक है और मैं अगस्त तक का यहाँ पे सम करूँ तो ये है ना, ये हमारा 698, बिल्कुल 698 है ना, तो यानी कि उस नेम डिफाइन के लिए इस डेटा का होना जरूरी है, एक कॉलम ए बी सी, अगर ये तो रहेगा बेस तो रहेगा नहीं यही, अच्छा, तो ऐसा नहीं कर सकते हम इसको भी डायनामिक कर सकते हैं क्या इसको, हाँ, अगर ये सपोज एबीसी भी मैं चाहता हूँ कि नेम डिफाइन से डिफाइन हो जाए तो नहीं होगा क्या चीज, क्या चीज, ये डेटा भी नेम डिफाइन से डिफाइन कर ले हम, नहीं तो नेम डिफाइन से कीजिएगा, लेकिन नेम डिफाइन में कहां से आएगा डाटा, नहीं नेम डिफाइन में पूरा डाटा डाल देते हैं ना, अच्छा ये पूरा हाँ एबीसी तीनों डाल देते हैं, नहीं तो फिर तो हो जाएगा ना गड़बड़, अगर मान लो यहाँ पे डाटा को आपको चेंज करना है तो फिर तो नहीं, फिर, मैं वैसे कह रहा हूँ अगर हम वैसे तो कर सकते हैं ना अगर एक फिक्स डेटा यूज करना, हाँ हाँ, लेकिन तो नहीं तो नेम डिफाइन में ये डाटा नहीं जाएगा, नेम डिफाइन में तो हम ऐसे करके कंट्रोल शिफ्ट F3 करके ऐसे बनाएंगे तो ये तीन बन जाएगा, ये तीनों अच्छा, बन जाएगा बनेगा। लेकिन ये तो पूरा का ना बनेगा जी यहाँ तक, लेकिन हमें तो नहीं क्यों, हमें तो है कि हम इसमें हाफ चाहें तो हाफ का आ रहा है, नहीं नहीं बस समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि नेम डिफाइन में से भी नेम डिफाइन बना सकते हैं ना, नहीं इतना ये टफ हो जाएगा, फिर मुझे उतना आइडिया नहीं, शायद बन जाए, अच्छा, लेकिन जी 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 वो भी सकते हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, हाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है,
ज्यादा हम नहीं कर सकते। मैं तो बोल कि सुबह उसी को बोल देगा ले देते अभी नहीं करूंगा इतना किच किच नहीं करूंगा मैं ज्यादा हंगामा हो जाएगा। चलो बाद में बात करते हैं। हेलो जी तुम उसको बोल दे कि मुश्किल है तो हम इस टाइप से कर सकते लेकिन अब उतना नाम डिफाइन हो सकता है नहीं वो वैसे ही हां वैसे ही चला कोई जरूरी नहीं है मैं तो वैसे ही जानना चाहता था। हां वो भी सकता है वो भी सकता है वो भी मैंने कह नहीं सकते हैं। अब एक चंदू है अपने एक चंदू नाम का उसका साइट है आपने से सुना होगा या देखा होगा चंदू ORG इसका साइट था ठीक है। ये बंदा हैदराबाद का रहने वाला था ओके ये भी एक्सेल से शुरू करके अभी शायद ये न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया ओके और वहां पे ये क्लास वगैरह लेता है या जो भी है इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ है और इसकी वाइफ भी इसी लाइन में है तो ये भी बंदा मतलब इस लाइन से मतलब मैंने इसका एक्सेल ही बेस नहीं था बैकग्राउंड टेक्निकल और भी चीज इसने पढ़ाई वगैरह कर रखी थी लेकिन ये बंदा वहां भी शिफ्ट हो गया या फिर आता जाता है कुछ स्टेप से लेकिन कुछ लैंड जगह है ना वहां पे सेट रहता है ये okay. ये बंदा है ये है ओके okay. ये लिख तो रहा है आई लिव इन वेलिंगटन न्यूजीलैंड विद माय ब्यूटीफुल वाइफ जो एंड ट्विंस इसके साथ रह रहा लेकिन ये था हैदराबाद के हैं तो ये बंदा वहां घंटों में क्लास लेता कुछ है ऐसा इसकी कहानी तो यहाँ पे एक से पावर बीआई है पावर बीआई भी सिखाता है सिखाता होगा जब मैं 5-6 साल पहले था उस समय ये एक्सेल मैक्रो में था एक्सपर्ट तो अब तो ये बहुत कुछ हो गया होगा अब तो ये बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसका डिस्कशन होता होगा हो सकता है कह नहीं सकते बंदे मतलब कम लेवल से उठ के भी बंदे बहुत ऊंची तक गए हैं समझ गया ना क्लिक कर गया ना चीजें उसको हाँ, उसको क्लिक कर गई कॉन्सेप्ट मिल गया तो वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। हाँ गलत चाहे ये चीज है तो एक तो ये हो गया एक ऐसा ही बना हुआ है एक है इस यहाँ पे जो था ना नाम यहाँ पे यहाँ एक से स्टार्ट होता था जैन से लेकिन यहाँ पे जैन से नहीं स्टार्ट होगा यहाँ पे बीच में कहीं से स्टार्ट हो रहा है ओके जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने बीच में जुलाई से लिया और अक्टूबर देखिए तो अब ये चार्ट बन रहा है जुलाई और अक्टूबर के बीच में जी तो इसका भी बेस वही है इसका भी तीनों नाम डिफाइन किया है मैंने लेकिन इसका थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन बस जो जो यहाँ से स्टार्ट होता था वहां से नहीं होके ये सात में से तीन ले रहा है तो वही ऑफसेट का ही है कमाल मतलब ऑफसेट की जो रेंज है पहले जब मैच एक होता था आप दो के लिए यूज करेंगे स्टार्टिंग एंड एंड हाँ नहीं नहीं रेंज तो एक ही बनेगा हमने इससे ले लिया जैसे ये अगर सात में पर है और यहाँ से तीन तो ऑफसेट स्टार्ट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तीन दाए जाएगा जी, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल बस मैंने नहीं तो मैच दो बार लगाएगा ना इसमें हाँ मैच तो लगेगा दो बार बिल्कुल 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 मैच लगेगा दोनों का डिफरेंस लेगा वो एक ही जो ऑफसेट के लिए जो उसको रेंज चाहिए थी कहां से कहां तक लेना है वो यहीं से ले चाहिए हाँ जब हम ऑफसेट टाइप करते हैं तो पहले वो फिक्स थी हाँ वो फर्स्ट से अब ये ए टू से तो होगा लेकिन यहाँ पे फिर वो हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा रो हमें डिफाइन करना पड़ेगा वही फर्स्ट मैच वाला काम करेगा कि कहाँ से हमको उठाना है कहाँ से मैच करना है राइट। अच्छा दूसरा ये जो इसमें स्टार्ट मंथ है ये हो सकता है कि अगर स्टार्ट मंथ हम बाद का डालें और एंड मंथ पहले का डालें तो एरर शो करेगा इसका किसका सपोज आपने डाला स्टार्ट मंथ में अगस्त
हाँ नहीं वो कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ गलत डाटा आ सकता है। हाँ जी, अब जनवरी कर दूं। देखिए जुलाई अगस्त के लिए, तो ये जो है ये जो हमारा कैलकुलेशन है वो उस बेस पर, ये यहाँ से माइनस प्लस जो कर रखा हूँ उसके बेस पर ये यहाँ से उठा तो रहा है, लेकिन वो गलत हो रहा है क्योंकि ये तो मैच कर रहा है ना कि ये कौन से पोजीशन पर है ये कौन से पोजीशन पर है, तो वो सही नहीं बना क्योंकि ऑफसेट तो वो जो कैलकुलेशन है वहां तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू उठा रहे रहा है ना, लेकिन बिल्कुल वो सही नहीं हो रहा हो रहा है, उसको जो मिला उसके अनुसार उसने बना दिया, वैल्यू दे दिया, राइट जी, हाँ ठीक है। दे दिया, लेकिन लेकिन ऑफसेट के लिए तो, ऑफसेट के लिए तो 1 2 3 4 5 है, तो ऑफसेट जब हम लोग पढ़े थे तो यह था ना कि यहाँ से हम ऊपर की वैल्यू भी उठाते हैं माइनस के लिए, जी तो ये इस टाइप से होता है। ठीक है तो बना रखा हूँ, एक बार देख लीजिएगा, कुछ ज्यादा इतना है नहीं लेकिन है, मैंने इस तरह से एनिमेशन, एक ये है एग्जाम्पल इस डाटा के बेस पर बना हुआ है, एक ये है, इसमें क्या है, इसमें ये है प्लेयर्स है, इसका कुछ रन है, राइट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जिसका क्लिक करूंगा उसका यहाँ पे आएगा, ओके, ये सब में ज्यादा क्यों इतना खराब किसका है स्कोर, गिर क्यों रहा है स्कोर, ये तो काम नहीं कर रहा अभी, सॉरी उस सीट पर नहीं है, इस सीट पर है, उस सीट पर है गलत, देख रहे हैं, इसमें भी नाम डिफाइन के लिए मैंने इसमें बहुत बड़ा कोशिश किया था लेकिन ये मेरा नाम डिफाइन सक्सेस नहीं हो पाया, ओके, तो मैंने ये शॉर्ट में किया, कुछ और शॉर्ट में किया, वहां मैंने परेशान हो गया था, मेरे से हो नहीं पाया था, तो इसका बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो यहां से ले लिया प्लेयर्स, अब ये ऑप्शन बॉक्स बॉक्स है, तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 दिखाएगा हमें, जी तो मैंने इस पे ले ले लिया कि अगर ये 1 हो तो इसका ले 2 हो तो इसका 3 इसका 4 इसका 5 इसका, इस तरह से मैंने डाटा ले लिया, जहां पे कम है जी तो यहाँ पे आएगा 0 0, तो नाम डिफाइन में हमने काउंटिफ कर रखा है नॉट इक्वल टू 0, तो वो रेंज इतना ही लेगा इस केस में, और अगर जब इसमें आएगा ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो इतना ही लेगा, और नीचे उसी चले नाम जाएगा। डिफाइन को जो हमने लास्ट चार्ट में किया था उसी नाम डिफाइन को यहाँ पे हमने कॉल कर रखा है बस, तो ओके, एक ये स्कोर तो कॉल करना आसान है ना, ये तो कॉल करना तो कोई मुश्किल नहीं है, ये जी बस हमें ये डाटा बनना चाहिए, बिल्कुल, बस यही चीज है। ठीक है जी तो इस टाइप से बन जाएगा, अब आपके पार्ट में इतना जरूरत तो होगा नहीं इसे हाँ नहीं, फिर भी ठीक है, मतलब पता रहे, कई बार दिमाग में रह जाता ना कि हाँ हाँ ऐसा एनिमेशन पॉसिबल। वगैरह के लोग होता है, अब अगर ये अगर बिल्कुल डैशबोर्ड की बात करें तो एक छोटा सा डैशबोर्ड इस बेस पर बना हुआ है, जब यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको खींचेंगे तो आएगा, यहाँ बंदे का नाम लेंगे तो ये अपने आप घूम रहा है ना, ये जी, एक ये है, एक ये भी है, कुछ जब हम इस टाइप से क्लिक करेंगे इसको क्लिक करेंगे तो कुछ और बनेगा, इसको इसका मेन डाटा ये है, तो ये है डैशबोर्ड, और एक इस टाइप से भी ये भी बना हुआ है, इसमें कोई उतनी बड़ी कमाल है नहीं, मैंने है कि इसको एक कॉन्सेप्ट आया उसको, अच्छा अभी जो मैंने स्पार्कलिंग वाला बताया था ना उसका ये यहाँ पर लगा हुआ है, जी इसको एक डाटा चाहिए वो बनता है, और एक ये है केपीआई डैशबोर्ड,
एक ये है जो इसका डाटा यहाँ पर है, प्रोडक्ट का नाम KPI 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो KPI 1 के बेस पर सॉर्ट हुआ और उसके रेस्पेक्टिव ये सब भी सॉर्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करूंगा इसको तो इसके बेस पर सॉर्ट होगा और ये सब सॉर्ट होगा और उसी के बेस पर ये चार्ट भी बना हुआ इसके, और इसमें एक असेंडिंग डिसेंडिंग भी होना चाहिए, कहाँ पे है, और जब इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो डाटा घसकेगा, और इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों नहीं है, इसमें एक असेंडिंग डिसेंडिंग भी होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर तो कर रहा हूँ तो ये डिसेंडिंग ही हो रहा है, तो यहाँ पर एक ये है क्या सॉर्ट ऑर्डर वाइज, हाँ ये हो गया ना असेंडिंग, ये है असेंडिंग डिसेंडिंग, देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो असेंडिंग, यहाँ पर डिसेंडिंग है ना, नहीं तो डिसेंडिंग कहाँ से ले रहा है ये, यहाँ साइड से, ठीक है ठीक है, केपी वन ये, हाँ इसके ये तो हम जिस पर क्लिक करेंगे उस पे लेगा वो, अभी क्या ये डिसेंडिंग है, अब देखिए हाँ यहाँ पर डिसेंडिंग है ना, जी जी, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए असेंडिंग हो गया जी, तो इसमें से किसको बनाऊं मैं कि आप बनाइएगा मेरे लिए बनाना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो इसमें से अगर कुछ तो बना के मैं तो दिखाऊंगा तब तभी तो आपको अभी थोड़ा वो होगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा लेकिन एक बेस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा पूरा पूरा बनेगा या कितना बनेगा, तो वही वाला बनाइए केपी वाला, केपीएन वाला, ये जी आपने तो टफ वाला बोल दिया है, टफ वाला, देखिए ये जो है ना ये सब जो डाटा ये तो है, ये तो एक चार्ट है, तो हम जो होगा इस डाटा के बेस पर जो डैशबोर्ड होता है मेनली, जो डैशबोर्ड होता है इस डाटा के बेस पर हम कैलकुलेशन कहीं सीट पर बना लेंगे और उसका चार्ट यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे बस, अच्छा, इतना ही था ना, उस डेटा के बेस में हम अपनी कैलकुलेशन बना लेंगे, हाँ कैलकुलेशन बना लेंगे और इसका कॉल कर लेंगे, बाकी जब इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उस डेटा में से वो हम फिल्टर कर लेंगे, हाँ वो फिल्टर कर लेंगे, और अगर हमारा कैलकुलेशन ठीक है तो चार्ट बनाना तो आसान है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बना दीजिए फिर बेटर कंट्री, ये जी चलिए ऐसा करते हैं इसको आज कर लेते हैं या फिर उसको कल कर लेंगे और इसके बाद हम लोग कहानी खत्म कर देंगे मतलब, और मैं एक वैसे तो मैं सबसे फीडबैक मांगता हूँ, आपका पोस्ट भी थोड़ा बड़ा है कि मतलब मैं मोस्टली लोग से पूछता हूँ कि जब पढ़ाता हूँ ना जी, तो लास्ट में मैं अपने लिए मतलब पूछता हूँ कि कहाँ मर्जे और इम्प्रूवमेंट वगैरह करना चाहिए, तो ये मैं पूछता हूँ और ये लास्ट क्लास में बोल देता हूँ, बहुत सारे बंदे तो मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर सामने में दिक्कत हो तो मेल पर कर देना भाई मतलब क्योंकि फिर आगे के लिए क्योंकि मैं भी अगर यहाँ तक आया हूँ तो फर्स्ट जो फर्स्ट क्लास लिया था मैंने वहां पर मैं भी तो इतना अच्छा नहीं था ना, मैं भी तो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया ना, और जो क्वेश्चंस वगैरह मैंने इकट्ठा किए हैं तो उन्हीं स्टूडेंट के वगैरह में ऑफिस में कुछ क्यूरी वगैरह आई तो उसको मैं सॉल्व किया, तो उसी क्वेश्चन को इकट्ठा करते करते फिर मैं इस टाइप का आ गया, तो इस पे एग्जैक्टली लू या थोड़ा बहुत अमाउंट के मैं आगे पीछे करके लेता हूँ, लेकिन आपको जैसे ठीक लगे, मेरे लिए तो एक इन्फॉर्मेशन है ये, हाँ ठीक डेटा से तो ज्यादा मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एक कंट्री का नाम है ठीक है और ये इसको यहाँ पे सॉर्टिंग हो रहा है और जो कंट्री यहाँ पांच कंट्री है उसी का नाम फिर यहाँ पे आ रहा है और इसके साथ फिर इसका जॉब रोल आ रहा है, इसका अमाउंट हो रहा है और ये चार्ट इस पर बना हुआ है और ये चार्ट किस पर बना हुआ है, ये चार्ट इस परसेंटेज पर बना हुआ है किसी और पर, हम लोग किसी और पर भी बना सकते हैं, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं
मैं यहां से स्टार्ट करूं और इसको मैं एक कॉपी बना कर रख लेता हूं, इससे दिखता रहे थोड़ा सा, ठीक है। और हमारा डाटा ये है। अब हमें कंट्री का नाम चाहिए और कंट्री का नाम इसमें से मैं किस फील्ड से लूं। ऐसा करते हैं, इस डाटा को भी मैं हटा ही लेता हूं, ठीक है जी। इस डाटा को भी मैं, ये लास्ट में क्या है ये, लेकिन किसी और लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में है नहीं। इस डाटा को उठा के मैं एक ब्लैंक ही रखता हूँ। चलिए, और मैंने यहाँ पर लाया, अरे यहाँ कुछ वैल्यू गड़बड़ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है ना सैलरी उल्ली है, यहाँ पर कंट्री का नाम को हमें यूनिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंट्री ये है जे कॉलम में, तो यहाँ से हम कुछ कंट्री को नाम उठाते हैं। तो अगर मैं कंट्री का नाम यहाँ पर बनाऊं, क्योंकि इसको हमें दो तीन जगह कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक यहाँ पे कैलकुलेशन शीट बना लेता हूँ। और अगर कंट्री का नाम यहाँ पे कॉल करना पड़े जे कॉलम क्लीन कंट्री, तो पूरा डाटा लूं, छोटा सा देता हूँ इसको, मैंने यहाँ से कॉल कर लिया, पूरा डाटा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये इतना भी मैं क्यों करूं, मैं करता हूं काउंट इफ और इसमें ये कॉमा ये और कॉमा ये, और ऊपर वाले को फ्रीज करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ ये ग्रेटर देन वन, तो हमने फिर यहाँ पे हम इसमें यूनिक कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे मुझे यहाँ से ना एक्चुअली यूनिक सिटी कंट्री को निकालना है, इसमें से मुझे यूनिक निकालना है, यूनिक कौन सी इसमें से। हाँ हाँ, तो यूनिक तो निकल जाएगा ना, इफ काउंट इफ करके नहीं निकलता, तो काउंट इफ करके तो वही हमें नहीं, इफ कर दो, इफ करो आप इसके आगे आ जाओ पी पे, हाँ इक्वल टू इफ, अगर ये हाँ इज इक्वल टू जो भी काउंट इफ लगाया ना, काउंट इफ को यहाँ पे ले लो, हाँ तो मैंने लिया, अगर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन देन वन और एल्स जीरो, अब वहां पे 82 की जगह वो काउंट इफ वाला फार्मूला लगाना होगा, आपको नहीं आ गया, चलिए ठीक, यहाँ तो आ गया। लेकिन इस नाम को फिर कैसे लेंगे यहाँ पे, कौन सा नाम, इसको मुझे पूरा पूरा कॉल ही करने दीजिए, हाँ तभी होगा, खैर वो तो तभी होगा, नाम तो चाहिए ना, हमने इसको पूरा पूरा इसी जगह कॉल कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। अरे यार कितना है डेटा, 1884, चलो 1800 तो ठीक है, ठीक है। हाँ, अब लिया और यहाँ पे इससे तो हुआ, लेकिन इसको हम नहीं, ये कैसे करेगा, ये मैं करेगा, मैं कर रहा हूँ, देखिए इफ ये अगर ये ग्रेटर देन वन है तो जीरो, तो ब्लैंक, नहीं तो मैक्स, इसमें और प्लस वन, और ऊपर वाले को हम कर दूंगा ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा
कुछ इस टाइप से दिखाएगा, इस टाइप से दिखाएगा, और यहाँ पे अब करेंगे मैच ये ये पहला है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे निकाल दिया मैंने रो, तो इसमें यूनिक निकाल के क्या फायदा होगा? सॉरी, मैक्स निकाल के क्या फायदा होगा? मैं यहाँ पे यूनिक को तो कॉल करूंगा ना, यहाँ पे नहीं, यूनिक तो हो गया, मैक्स को मैक्स का। अच्छा यहाँ पे ठीक, इसके लिए तो मैं सिटी का नाम का निकालूंगा जो स्क्रॉल जो करेगा। तो मैं यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर लिया और 1883 यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम है 107, उसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अब लगाएंगे मैच ये पहला, इसमें कौन से पोजीशन पर है, दूसरा पर है, तो इंडेक्स करके इसमें अकोमा ये हमारा ये निकल गया यूनिक जी, ठीक है। ब्लैंक को हम लोग बाद में भी कुछ, इसको लिए हम बाद में कुछ कर सकते हैं, फिलहाल ये तो हमें निकल गया। यू एंट्री, अब हमें इस तरह से यहाँ पे लगाना है, ये स्क्रॉल बार लगाना है, अमाउंट जो है ना परसेंटेज, इसके बदले हम लोग अमाउंट के लेके आ जाएंगे। तो अब मैं इस चार्ट पर बना रहा हूं और यहां से मैंने ले लिया तीन चीज और यहां पे चाहिए पहला दूसरा तीसरा, यहां पे चाहिए 1 2 3 4 5 भी है ना। तो अगर 1 2 3 4 5 है तो हमने जो डाटा, अच्छा 1 2 3 4 5 तो हमारा यहाँ से आ रखा है ना। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और जो ये स्क्रॉल है जो हमने डेवलपर में जो बनाया था स्क्रॉल, इसको मैं यहाँ पे खींच दिया, क्लियर। और यहाँ पे जो मैक्सिमम है 107, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पे मैक्स इसमें कर दिया, सॉरी हमारा हो गया 107। तो यहाँ पर ड्रैग किया और फॉर्म कंट्रोल में गया, मिनिमम मैंने कर दिया 1 और यहाँ पे कर दिया 107। तो और इसका हमें एक लिंक करना है, तो फॉर्म कंट्रोल में एक लिंक करना है, तो लिंक कर दिया मैंने इस पे, कर दिया यहाँ पे जी। अब इसको हमको कॉल कर लिया, यहाँ पे जाके इसको हमने कॉल कर दिया, सॉरी उसको मैंने कॉल कर दिया और यहाँ ए प्लस 1 कर दिया। यहाँ पे कितना लिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिया हुआ है, हमने ले लिया है ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 ले लिया, इसको मैंने कर दिया छोटा। कलर तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पे इसको करूंगा तो ये नंबर आएगा। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे इंडेक्स और इसको करके हमने इसको कॉल कर दिया। अब देखिए आ रहा ना ये हमारा जी चेंज हो रहा। अब यहाँ पे इसने लिया हुआ परसेंटेज, हम इसमें परसेंटेज के छोड़कर हम कोई और फील्ड लेते हैं,
इसमें सेल्ली वगैरह है, सेल्ली है ना यूएस जी, इसी को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर कर देता हूँ सैलरी, और यहाँ पे लगाऊंगा सम इफ, और सम इफ के रेंज मैंने ले लिया इसको, नहीं सॉरी ये जे का ले लिया इसको, और कैटेगरिया में मैंने इसको, और सम रेंज को हमने कहाँ दिया था सैलरी इन यूएस, इसको ले लिया। अब एक तरह से हमारे ये अमाउंट आ गया जी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो 10 का आ रहा है जी। एक चीज तो हमारा हो गया, इस पार्ट को तो हमारा हो गया, और अगर इसी पार्ट पर अगर मैं फिलहाल इस चार्ट को बना लूँ इस पार्ट पे, अगर थोड़ी देर के लिए मानू या फिर किसी और के लिए रखते हैं उसको, अगर मैं इस चार्ट के बेस पर अगर मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट बना लेते हैं, चार्ट तो हम फिर आगे पीछे भी कर सकते हैं जी। तो हमें ये चीज तो हटाना पड़ेगा, ये डिजाइन हटाना पड़ेगा चार्ट का, ये चीज कैसे आ गया पूरा कैसे आ गया। ओके 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 ओके, इसके रेंज को हमें इस टाइप से हो गया, इसको नंबर में भी हम लोग फॉर्मेट एक्सेस में जाके यहाँ पे जाके एक थाना नंबर फॉर्मेट लाख में कुछ ये मिलियन में कर देते हैं, मिलियन में ठीक रहेगा या थाउजेंड में रहेगा, थाउजेंड में कर देते हैं, ठीक है जी। एक तरीका से हमारा ये हो गया। अगर अरे ये तो हाँ, अब देखिए यहाँ जैसे हम घसकाएंगे ये घसकेगा ना जी, हो रहा ये जी। अब उसी नाम को फिर यहाँ पर भी कॉल कर रखा है ये, और इसके बेस पर जो जॉब रोल है उसका अमाउंट यहाँ पे दिखा रखा है। तो है। अब हम अगर ये बनाऊंगा 3 3 6 6 यहाँ पर भी है, पर अगर मैं ले लूंगा इंसर्ट में जाके इंसर्ट में जाके कोई आइकन चुनता हूं तो कौन सा लूं, नहीं तो अभी तो हमें तो बटन चाहिए ना, रेडियो बटन है ना, नहीं रेडियो बटन उस पर है ना डालना, किसी पर आइकन पर है ना डालना रेडियो बटन। अगर ये लूं इसके ऊपर रेडियो बटन डालना है तो डेवलपर, डेवलपर में जाएंगे और इसको एक और इसी को ये की से शायद मूव करेगा, की से करता है एरो की से, सर थोड़ा आप की से करके देखिए एक बार एरो की से। चार एक और को कॉपी पेस्ट, 5
इसका भी ना जो नाप तोल है ना उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं, मतलब इक्वल कर सकते हैं। जी छः आया ना, तो जी मैंने इस छः को, सॉरी, ग्रुप इसको लिया। हाँ, ग्रुप भी कर सकते हैं, और थोड़ा डिजाइन करने के लिए ना यहाँ पर स्पेस वगैरह है ना, स्पेस का भी होना चाहिए कि हम सबका इक्वल ले। आ गया लगभग, ठीक तो लग रहा है ना, स्पेस जी, इक्वल आ गया। लेकिन अभी हमने ग्रुप नहीं बनाया ना इसको, ग्रुप नहीं, ग्रुप नहीं बनाया है, लेकिन ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना, किसी एक को ही सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो यहाँ तो बिना ग्रुप से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है, इस पांच के, इस छह के अलावा कुछ और नहीं है। जी अगर दो हमारा एक और कैटेगरी होता तब तो हमारा बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको लो लूं और फिर इस नाम को कॉल करना है, तो नाम के तो हम डायरेक्ट यहां से भी तो कॉल कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं होगा, यहां से कॉल करने पर नहीं होगा, नहीं यहाँ पे नहीं वो कॉल उसके नंबर पे देना होगा। नहीं इसके है, लेकिन तो नहीं, ये तो अलग चीज है, क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद जर्मनी आएगा, तो इसके बेस पर ये चीज होना है ना, जी क्योंकि इसका जॉब रोल भी करना है डिफरेंट, लेकिन कॉल तो कर सकते हैं, कॉल तो कर सकते हैं, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए कॉल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे चेक कर लिए। ठीक है, जी अब चेक करने के बाद अब यहाँ पे जो है डाटा अगर देखिएगा, तो यहाँ पर है जॉब रोल, ये है ना, ये जॉब रोल टाइटल, जी एक ये है एक वो है, वो क्या है ये क्या है। अगर मैं इस तीनों को लूँ, इसको सब डिवाइड किया है ना। हाँ सब डिवाइड कर रखा होगा कुछ, अगर यहाँ पर, ठीक तो है, अगर मैं इसे इंडिया लूं, तो यहाँ पे कितने टाइप के जॉब रोल है, तो चलो इतना है मान लेंगे, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा जॉब रोल, यहाँ पे कितना का आ पाएगा, 10 से ज्यादा, यहाँ पे तो कम ही दिखा रहा है। चलो हम तो एक वो कर रहे हैं ना, जी कर रहे हैं, तो चलिए कुछ नहीं, देखते हैं कितना होता है। तो अब मैं, हमारा डाटा किस हम लोग बना रहे हैं इस पे, और यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे चाहिए, कुछ इस टाइप से हमने किया, और यहाँ पे जब मैं इसका क्लिक करूं तो इसका जॉब रोल यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे वन, अच्छा ये टॉप 10 ही दिखा रहा है, ज्यादा न दिखा नहीं रहा, ये टॉप 10 ही दिखाएगा हमेशा। जी तो अब हमें उसका यहाँ भी एक लफड़ा है कि उस डाटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, तो अब मैं यहाँ पर गया, तो हमने इसको ले रहा हूँ, एच को लेता हूँ, इसको लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन के सीट पर जाऊं, तो यहाँ पर ले लेता हूँ सैलरी,
उस समय कुछ और सैलरी था, योर सैलरी सैलरी इन यूएसएफ, यहाँ पे लिया एफ, और उसके बाद जॉब रोल में मैंने लिया एच, और कंट्री जे। इसको मैंने यहाँ पे तो जाएगा पूरा, ये तो जाना चाहिए पूरा आई जे के, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ से वो कह रहा है टॉप टेन, तो जॉब रोल पहले चाहिए यहाँ पे। अब जॉब रोल का मुझे बनाना है यूनिक, जो इसका आए तो इसके अनुसार इसका आए। तो हमने किया यहाँ पे हमने इसको और इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है जी। और जब इसको और इसको हमने जोड़ दिया तो अब हमें, अगर मैं यहाँ पे इंडिया जाऊं, अगर मैं यहाँ पे इंडिया है कितने पर है, अरे भाई आ गया, निकल गया जी, इंडिया सर निकल गया के है, ये कितना पर है इंडिया। एक्चुअली मैं यहाँ पे इंडिया का खोज रहा था, तो इंडिया यहाँ पे ये तो फर्स्ट में ही है, हम लोग भटक रहे हैं, फर्स्ट में गया ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा, इंडिया लिया। और अब मैं इसका जॉब रोल को, हमें यहाँ पे जॉब रोल अलग अलग करना पड़ेगा कि इंडिया के लिए किसने है, तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसको भी हमें लिंक करना पड़ेगा ना कि इसमें से कौन सा चूज कर रखे हैं, तो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर गया और इसको लिंक कर दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया, कॉल कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरा दिखाएगा वहां पे दूसरा, और यहाँ पर दिखाऊंगा तो पहला, इस तरह से दिखाएगा जी। अब मैं करूंगा इससे लगा लूंगा इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने इंडेक्स लगा लिया इस छह में कॉमा इसको। अब मैंने इंडिया क्लिक किया तो हो गया इंडिया, और मैं यहाँ पर पाकिस्तान क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। अब जो होगा उसका चाहिए वो लिस्ट जी, तो अब मैं करूंगा, अगर मैंने पाकिस्तान ले लिया है तो यहाँ पाकिस्तान वाला उठ के आना चाहिए जी, जॉब रोल के साथ अकाउंटेंट, हाँ मैंने पाकिस्तान का जो होगा तो यहाँ से आना चाहिए। अरे ये तो डुप्लीकेसी भी तो होगी ना जी, डुप्लीकेसी भी होगी। इस फाइल को सर एक बार मुझे सेव करने दो, क्योंकि अगर ये गया ना तो फिर अब चाहिए पाकिस्तान। अब मुझे पाकिस्तान का डाटा बनाना है यहाँ पे, कैसे आएगा सर जॉब रोल, एक तो जॉब रोल निकालना है, उसके बाद फिर यूनिक निकालना है, उसके बाद यूनिक निकालना है और अमाउंट को शॉर्ट भी करना है।
क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जॉब वाला टॉप 10 का ही हमें रखना है। जी तो हमने यहाँ पे अगर इसके बेस पे अगर हम इसी के बेस पर यहाँ बनाएं तो हो सकता है, तो एक और डाटा निकालते हैं यहाँ से। यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान को फिल्टर करना है मुझे, इसको पाकिस्तान पाकिस्तान को फिल्टर करना है। तो इफ अगर ये, लेकिन फिर डाटा कैसे, अगर ये इज इक्वल टू ये, अगर ये इसके बराबर ये हो तो ए तो आई, हमें उसकी वैल्यू दे नहीं तो दे। ब्लैंक कर दे। और मैंने एन को फ्रीज कर दिया, चार पांच ही आया क्या है, पाकिस्तान कम है नहीं है, आया तो है, आया तो है। तो हम इसको कॉल करें या एल को कॉल करें, हमने एल को कॉल कर लिया। अब मैं करूंगा यहाँ पे काउंट इफ ये और एम टू, यहाँ पर कर देता हूँ इफ, अब टाइम लगेगा, आज नहीं हो पाएगा, बहुत दोस्त को नहीं हो पाएगा। ब्लैंक तो ब्लैंक, नहीं तो ये इस तरह से आ गया ना। लेकिन अच्छा, यहाँ पे मुझे इसको मैंने फ्रीज कर दिया, अब ये आ गया। और ओ यहाँ पे देखता हूँ कितने आया, आया तो है ज्यादा। अब यहाँ पे करता हूँ इफ ये ग्रेटर देन, सॉरी वन चाहिए ना मुझे, वन ही, अगर ये इज इक्वल टू वन हो तो फिर मैक्स वाला वही करता हूँ, मैक्स ये पी वन प्लस वन एल्स ब्लैंक, और इसको मैं फ्रीज करता हूँ, पी है, अगर मैं यहाँ पे फ्रीज करूँ, जी ये 6 मिल गया हमें, ठीक है। जी अब यहाँ पर मैं करूँगा रो 2-1 और मैच करूँगा इसको और इसमें 0, और यहाँ पर इंडेक्स इसमें और कोमा इसको, सॉरी अगर इंडेक्स इसको नहीं करेंगे, इंडेक्स करेंगे हम एम पे, तो ये 5 क्या आया था मैं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गया, रो यहाँ पे ब्लैंक हो गया ना। अच्छा यहाँ तो मैंने लिया ही नहीं, इस टाइप से आ गया। और अगर मैं यहाँ पे जाके इंडिया करता हूँ तो क्या इसका जॉब रोल बदल रहा है, बदल तो रहा है ना। जी
अब यहाँ पे तो बदल रहा है, अब क्या करना है, यहाँ पे कहाँ तक लेके जाना है। मैंने यहाँ 20 ले लिया और यहाँ पे लगा दिया इफ एरर तो ब्लैंक, लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लगाऊंगा सम इफ रेंज इसमें और इसमें और इसका सैलरी सैलरी ठीक है सर, यहां तक तो हो गया जी। अब इसमें हमें चाहिए टॉप 10 जी, वो टॉप 10 कैसे निकलेगा, तो फिर यहाँ पर होगा रो और माइनस 1 और यहाँ पे चाहिए टॉप 10 ना चाहिए, तो जब टॉप 10 चाहिए तो टॉप 10 तो हमारा फिक्स है, तो हम यहाँ पर 10 अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, यहाँ पे हमने 10 का ही लिया, अगर होगा तो ठीक है नहीं तो ब्लैंक। और मैंने कहा लार्ज इसमें 1 शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, अच्छा शॉर्ट तो हो रहा है ना, डाटा शॉर्ट हो रहा है जी, ये हो तो गया ना जी। अभी इसमें यहाँ रेंज पे हम फिक्स कर दी ना, क्या चीज, ये तो इसमें रेंज फिक्स कर दी लार्ज इसको के मैंने लिए। मैंने पूरा पूरा टी कॉलम ले लिया, लेकिन हमें इसमें ये चीज ठीक ठीक करना पड़ेगा कि अगर ये 5 तक हो, अगर ये यहाँ पे 5 तक हो तो यहाँ पे हमें 5 ही लेना है या फिर वहां पे ब्लैंक करूंगा। अब यहाँ पे चाहिए टॉप 10, तो अब यहाँ पर ये दोनों, अब जॉब रोल यहाँ कैसे कॉल होगा, अब यहाँ पे जॉब रोल भी तो चाहिए, तो यहाँ पर जो हमें जॉब रोल चाहिए, अच्छा जॉब रोल तो हम यहाँ से हाइपन से निकाल सकते हैं ना, नहीं हाइपन से तो निकाल ही सकते हैं ना जॉब रोल, या मैच से भी निकाल सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा मैच ये इसमें दूसरे पर है तो इंडेक्स इसमें इस टाइप से आ जाएगा जी। अब हम इसको इसको कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब रोल को हमने ये इक्वल टू करके हमने इसको यहाँ कॉल कर लिया और अमाउंट को मान लो अभी तो हमने ऐसे अमाउंट ले लिया है तो कुछ भी हो सकता है ना जी जी, और ये 1 2 3 है तो इस 1 को भी हमने यहीं से कॉल कर लेता हूं, ये 10 तक अगर कर दूं और इस 10 पे अगर मैं एक चार्ट यहां बना दूं और इसको मैं डिलीट कर दूं, इस चार्ट को मैं यहाँ पे रखूं, नहीं ये तो है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊं और मैं लीजेंड राइट साइड में और यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाया है, मैंने वैल्यू दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए इस टाइप से इसको अगर अच्छा दिखाना है तो कोई और कलर चूज कर लेते हैं, ये फिर भाग गया, अच्छा ये तो भाग ही जाएगा, फिर ये तो भाग ही जाएगा राइट साइड में,
आ गया। और इस चार्ट को हम यहाँ छोटा दिखाते हैं। ये तो अमाउंट हो गया जब 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 जबरेल के पास बेस, और ये है कंट्री के बेस पर ने? जी। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे करूं, अब पाकिस्तान के दिखा रहा है, ऐसे आइसलैंड हो गया। लेकिन जब ये एक सेकेंड, अच्छा ये तो आइसलैंड का ही दिखा रहा है, लेकिन ये तो पाकिस्तान के दिखा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक, अगर एक सेकेंड, जो इन्होंने बनाया है, अच्छा अच्छा यहाँ पे हो रहा है, हो रहा। तो अभी ये जर्मनी का दिखा रहा है क्या? अभी यहाँ पर गया तो ये यूक्रेन का, यहाँ पे देखिए तो हम लोगों के पास किसका गया, यूक्रेन का आ तो रहा है। तो ये कुछ हद तक तो बन गया ना। और मैं यहाँ पे आयरलैंड का करूँ तो तीन है, स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट और कंसल्टेंसी। तो अगर मैं यूक्रेन पर जाऊं यहाँ पे, यूक्रेन, ठीक है सर, नहीं यहाँ पे चार है जॉब रोल, एनालिस्ट, मैनेजर, मैनेजर रिपोर्टिंग और स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन तो है ना, यहाँ पे आइसलैंड है, चार है तो सही, ठीक तो आ रहा है, ठीक है ना। अब जी। अच्छा ये सॉर्टिंग भी ये ठीक है, तो हमारा ये भी बैठ गया, ये भी काम हो गया। अब हमारा ये जीरो जीरो का जो चक्कर है, इसको हम करेंगे कि if t2 is equal to 0 तो blank, नहीं तो ये चले, ये हमारा blank हो गया। और यहाँ पे लगा दूंगा if error blank, और यहाँ पर भी if error blank हो गया। अभी देखते हैं तो यहाँ पे आके कैसे आया। तो ये चार का, ये तो चार का ही दिखा रहा है, ठीक है, ये तो मस्त हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। एक चीज हमें इसको यहाँ पर भी करना है, ये जो है ना कॉल कर रहे हैं ये से, इसमें लिख देता हूँ ये चार है, तो चार का कहीं काउंटिंग है, ये चार ही है, यहाँ पर भी लगा देता हूँ। इफ ये इज इक्वल टू ब्लैंक तो ब्लैंक, अरे यार t2 इज इक्वल टू 0 तो 0। रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर, आपके रिकॉर्डिंग दिखा रहा है ना? जी दिखा रहा। अब ये हो गया तो इसको कर दूंगा ब्लैंक। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको खींचूं तो आ रहा है, ये 7 तक जा रहा है। यूक्रेन करूं, इस पे क्लिक करूं तो जर्मनी का, इसको क्लिक, ये स्पेस, ठीक है, अलग आ रहा है। इसका जो टाइटल है, इस टाइटल को ले लेता हूं कंट्री को, तो इस टाइटल को सेलेक्ट डाटा करके, इसको करके, इसको लेके मैं जो यहाँ पे कंट्री, जो यहाँ पे आ रहा है, हमने यहाँ पे कंट्री कॉल किया है ना, इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ से। बंद हो गया सर ये? बना तो दिया। लेकिन ये अमाउंट क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे? इसको ये जीरो वाला जो सेक्टर है, हाँ, ये कौन सा है वो थोड़ा सा देखना। ये सारे ले रहा है अभी, ये जीरो ले रहा है ना, तो
अब हमें यहाँ पे नाम डिफाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जीरो हेड हाइट जो कर रहा है ना उसको वो उठा रहा है। अच्छा इसीलिए यहाँ ब्लैंक आ रहा है ना, तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्या है जॉब, जॉब के लिए अगर मैं नाम डिफाइन करूंगा ऑफसेट, यहां से स्टार्ट करो और 0.0 काउंट इफ इसमें कोमा नॉट इक्वल टू ये तो एरर दिखा दिया। अभी हमने एक नाम डिफाइंड बनाया था इस फोल्डर में, हमने किसमें बनाया था नाम डिफाइंड, इसी में था ना, इसमें नहीं, इसमें नहीं प्लेयर वाला में भी, इसमें भी है और प्लेयर वाला में और प्लेयर वाला में भी है, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो प्लेयर वाला पूरा कर रहा है। यहाँ पे था ये, यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर नहीं बोला था कि मैंने नाम डिफाइन कर लंबा बनाया था लेकिन मैं सक्सेस नहीं कर पाया जी। तो यहाँ पे है और यहाँ पर गया, ऑफसेट इसको लिया 0.0 काउंट इफ, इसको फ्रीज किया, इसको फ्रीज किया, ठीक तो है कॉमा वन, इसको ले लिया कॉपी किया और नाम डिफाइन में इसको जॉब में डाल के इसको डाल दिया और उसके बाद अमाउंट, अगर मैं अमाउंट में ही इसी को करके ऑफसेट जॉब और कोमा वन ले लूं, जॉब कोमा वन नहीं लेगा, अमाउंट और इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसको जाके जो यहाँ पर है ये क्या है, F3 ये है जॉब, जॉब हाँ, और यहाँ पर अमाउंट, ये तो गायब ही हो गया सर ये, क्योंकि अभी वहां पे वैल्यू ठीक नहीं आ रही ना, तो जो यहाँ पूरा लगा है उसका आउटपुट कुछ नहीं है, तो इसको मैंने पूरा करके यहाँ पर करके कर लेता हूँ, नहीं बट ऊपर भी तो वैल्यूज आ नहीं रही ना, कहाँ L11 पे, L11 पर नहीं, लेकिन मैंने इसको यहां से चेंज कर रहा हूं ना, E के जगह F, अब इसको अमाउंट में, अब देखते हैं इस साइड भी नहीं सेव हुआ ये, एक क्या नाम है इसका जॉब ना था, यहाँ पे जॉब था और वहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट था, हे भगवान ये आया क्यों नहीं है,
ना तो नहीं, लेकिन जॉब कर रहे हैं L11 आप देखें, M14, M कितना है, M12, तो इसमें वैल्यूज तो जीरो क्यों, वैल्यूज क्यों आ रही है, नल क्यों आ रही है, मतलब कहां कोई पे? वैल्यू आनी चाहिए, कोई फार्मूला लगाया तो। अच्छा यहाँ पे जीरो आएगा तब आएगा। अच्छा है, यहाँ पे जीरो तो है नहीं ना, यहाँ पे तो ब्लैंक है ना, तो इसलिए ये तो काम नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर अगर मैं वही मैं, तो कह हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट इफ, ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक से भी आउटपुट नहीं आ रहा। नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू ब्लैंक। इससे अच्छा हमने जो यहाँ पे जीरो दिखा दूं तो अच्छा रहेगा, अगर मैं यहाँ से, कहाँ था जीरो, यहाँ ने जीरो जॉब्स में नहीं, आ गया, मेरा ये, बिजनेस अगर एनालिस्ट अगर मैं कंसल्टेंट यहाँ पे जीरो अगर दिखा दूं जी, तो यहां पर तो जीरो आ गया, और इस पे जीरो कैसे लाऊं? यहां पर भी जीरो आ गया, तो अब हो गया ना ठीक। लेकिन इसको जो है जीरो, इसको मैं करता हूं कि इसका कंडीशन फॉर्मेटिंग में कर देता हूँ मैनेज, अगर ये सारे अगर जीरो हो तो इसका कलर ना मैं व्हाइट कर देता हूँ, सॉरी फॉन्ट का कलर करना है व्हाइट, तो इसके फॉन्ट का कलर में व्हाइट कर देता हूं। क्लियर? जी यहाँ जीरो है लेकिन वो दिखेगा नहीं। अब दिखेगा। मैं यहाँ पे करूंगा, देखिए सर बंद हो गया, अरे ग्रीस में एक ही है, ग्रीस में एक ही है, तो इसलिए ऐसे दिखा रहा। सबसे ऊपर देखिए, जर्मनी को देख लीजिए, टॉप में, जर्मनी सबसे कहाँ? टॉप में जर्मनी है ना, नहीं नंबर वन, हाँ यहाँ पर नंबर नहीं वन ऊपर जाने को, नहीं अभी तो ब्राजील है। नहीं टॉप पे लीजिए, वन पे जर्मनी को देख लीजिए, हाँ बाकी सब तो काम कर रहा है। अच्छा तो ये ठीक ठाक कर दिया, काम तो कर दिया। जी तो कुछ इस टाइप से देखिए, इसमें हमारा चार्ट का कमाल नहीं है, हमारा ये कैलकुलेशन का कमाल है। जी अगर हमारा ये कैलकुलेशन सही रहेगा तो हमारा सब कुछ बन जाएगा, भले डैशबोर्ड कैसे। और ये हमने तो 10 मिनट में बनाया है या चाहे 1 घंटा में बनाया है, लेकिन इतना जल्दी ये होता जी नहीं है, जी क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट देगा उसको तो हम कुछ बना के दिखाएंगे, उसके बाद बोलेगा कि इसमें से कुछ और ये चेंज करो, जी तो कुछ इस टाइप से होगा। लेकिन हमारा जो ये कैलकुलेशन है मेन, तो इसका है कमाल। जी और ये कैलकुलेशन में हमने वही काउंट इफ मैच वगैरह जो पीछे पढ़ा है उसी के बेस पर जी हमने किया है, इसको यूज किया है भाई। अच्छा उसके किया है। तो आज को तो मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ, ऐसा करते हैं हम लोग एक संडे और लेते हैं, मैंने एक नेक्स्ट क्लास और लेते हैं, ठीक है? जी नेक्स्ट भी संडे रखिएगा, सैटरडे थोड़ा सा काम है, संडे का अच्छा रखिएगा। हाँ, तो संडे का रख 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 लीजिएगा, और इसी में से कोई और देख लीजिएगा, और आपके अगर पीछे का कुछ और डाउट उट है तो अपना एक बार कर लेते हैं ना। ठीक है जी, तो मोटा मोटी लगभग हम लोग लास्ट पर ही हैं, ठीक है, राइट ठीक है? तो आप अपना देख लीजिए जैसा है, बता दीजिएगा अपना। तो लेकिन सर ये जी बनता है डैशबोर्ड ऐसे ही, बस इसी जी में नहीं हम समझ में चार, आया। हाँ हाँ जी
समझ में आया काफी कि चार्ट का ही है डैशबोर्ड भी और चार्ट को यूज, और उससे ज्यादा हमारा कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन। हाँ, हम हमारा अगर कैलकुलेशन रहेगा तो चार्ट तो हमारा रेकमेंड चार्ट भी आ सकता है, राइट। और इसी में अच्छा दिखना है तो हमें थोड़ा इसको डिजाइन वगैरह उठाना पड़ेगा बस, है ना, और ये सब जो है ये सब तो हाइड करना पड़ेगा, तो इस टाइप से बनते हैं। तो अगला दिन अगर देखेंगे तो थोड़ा इसका वाला देख लेंगे, ये बड़ा वाला इसका ठीक है, इसका भी लेकिन कैलकुलेशन होच पोच है, क्योंकि कंडीशन एक इस एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया कि मतलब ये अल्फाबेटिक मैंने अल्फाबेटिक कर लेंगे, थोड़ा जी टाइम लगेगा, अगर कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो हो ही जाएगा। ठीक है ठीक है, तो बंद करो आज, ठीक है, ठीक है राकेश जी, ओके गुड नाइट। आप अपना एक बार वो एक्सेस वाला एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मैं चेक करूंगा, ठीक है, ओके थैंक यू, ओके बाय।